जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में यूरिया और खाद की कमी और बढ़ती कीमतों की कालाबाजारी को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा सौंपा गया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों का हाल बहुत ही दयनीय है, किसानों को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कांग्रेस जनों में जितेंद्र पांडे, मोनिका पांडे, संजय चौबे, डॉक्टर राजेश यादव, विजय सिंह, निर्मला गुप्ता, राम अवतार गौड़, असलम खान, गोपाल गांधी, अजय सिंह, पवन उपाध्याय, महेंद्र नाथ मिश्रा, डॉक्टर अनिल तिवारी, श्रीराम त्रिपाठी, प्रभात पांडे, आजाद बहादुर सिंह, राम नरेश सिंह, इरशाद अली खान, राजीव कुमार सिंह, कुसुम पांडे, रामप्रीत विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, यूरिया का दाम कम करे, काम करो, काम करो, किसान का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, यूरिया का दाम कम करे, काम करो, काम करो। निर्मला पासवान, जिला अध्यक्ष गोरखपुर। आज जो है किसानों की समस्याओं को लेकर के, जो किसान का जो है धान गेहूं से बढ़ता हुआ जो यूरिया खाद की किल्लतें हो रही हैं किसान को, जिससे किसान त्रस्त है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मनमाना ढंग से सभी जगह खादों का दाम बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसान हर जगह हताश है और वो अपने खेतों में खाद नहीं डाल पा रहा है, जिससे खाद और बीज का दाम कम करने के लिए आज जो है कांग्रेस पार्टी जिला और कांग्रेस दोनों सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर ये धान और धान में पड़ रहे हैं यूरिया का दाम कम नहीं हुआ तो इसमें कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे लड़ाई लड़ेगी, जिसमें इसमें यूरिया का दाम कम करें और उनकी लागत राशि जो है उसको दें, फिर बिजली का दाम भी कम करें। इस पे जो लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर इस बढ़ोतरी में अगर दाम इसमें कम नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई और भी ज़ोरों से करेंगी।